नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। आपके साथ मैं हूं दीपेश जैन। इंसानों के बदला लेने की तो आपने कई दास्तानें सुनी होंगी, लेकिन क्या आपने कभी किसी कौवे के बदला लेने की बात सुनी है? नहीं ना। लेकिन ऐसा ही एक अनोखा मामला सामने आया है शिवपुरी में, जहां कौवे पिछले 3 साल से एक युवक के दुश्मन बने हुए हैं। देखिए रिपोर्ट। कौवे से दुश्मनी पड़ी भारी, बदला लेने पर उतारू कौवा, 3 साल से कर रहा उसका पीछा, चोंच मारकर करता है हमला। इस कौवे से बचाओ। जी हां, सुनने में भले ही आपको ये कहानी फिल्मी लगे, लेकिन ये सच है कि एक युवक को कौवे से दुश्मनी भारी पड़ गई है। आपने सांप के बदला लेने की तो कई कहानियां सुनी होंगी, फिल्में भी देखी होंगी, लेकिन आज हम आपको एक कौवे के बदले की कहानी दिखाने जा रहे हैं, वो भी बिल्कुल सच्ची। मामला शिवपुरी के बदरवास का है, जहां एक होटल पर काम करने वाला युवक शिवा पिछले 3 साल से कौओं की दुश्मनी झेल रहा है। ग्राम सुमेला में रहने वाला शिवा बिना लाठी के घर से नहीं निकलता, क्योंकि वो जैसे ही सड़क पर निकलता है तो कौवे उस पर अटैक कर देते हैं। शुक्रवार को जब इस दुश्मनी को देखने के लिए हमारे रिपोर्टर ने उसे बिना लाठी के सड़क पर निकाला, तो इसी बीच कौवे ने शिवा के सिर में 2 जगह चोंच मारकर उसे घायल कर दिया। अब आपको बताते हैं कि ये दुश्मनी हुई कैसे। शिवा ने बताया कि लगभग 3 साल पहले वो अपने गांव से बदरवास आ रहा था, तभी रास्ते में कौवे का एक बच्चा जाली में फंसा हुआ नजर आया। उसे जाली में फंसा देख शिवा ने उसे निकालने का प्रयास किया, लेकिन तभी कौवे का बच्चा मर गया। शिवा बताता है कि उसके बाद से उसका सड़क पर निकलना मुश्किल हो गया। शुरुआत में जब कौवे ने हमला किया तो उसकी कुछ समझ नहीं आया, लेकिन बाद में उसे लगा कि उसके हाथों कौवे का बच्चा मरने की वजह से ये उसके दुश्मन हो गए। ये जानकर वाकई हैरानी होती है कि आखिर कोई कौवा कैसे 3 साल से युवक के पीछे पड़ा हुआ है। इसे केवल संयोग नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आमतौर पर कौवे ऐसे किसी पर हमला नहीं करते। अब देखना यही है कि इन कौओं का बदला कब पूरा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी। तो ये पूरा मामला आपने देखा, वाकई अपने आप में बड़ा अजीबोगरीब और हैरान करने वाला मामला, क्योंकि इस तरह की बातें शायद ही आपने कभी सुनी हो। हाँ, ये जरूर है कि कई बार अलग अलग जो जानवर हैं वो कुछ समय के लिए ऐसा होता है कि खूंखार हो जाते हैं जब उनके बच्चों पर कोई अटैक करता है, लेकिन कोई 3 साल तक इस तरह से ये परिंदा इस बात को याद रखे, उस शख्स को पहचान के रखे और इतना तक वो तय कर ले कि जैसे ही वो घर से बाहर निकलेगा उस पर हमला करना है, तो ये वाकई अपने आप में हैरतअंगेज बात है। और सवाल यहाँ पर उठते हैं कि क्या केवल कौवे में ये विशेष याददाश्त होती है कि वो इस शख्स को पहचानता? क्या ये संयोग भर है कि ऐसी घटना होती है, या फिर वाकई ये कौवे जो हैं वो उस घटना का बदला ले रहे हैं? एक बार फिर हम आपको बताएं कि हुआ क्या था। 3 साल पहले शिवा अपने गांव लौट रहा था, लेकिन उसे रास्ते में एक कौवे का बच्चा घायल अवस्था में मिला, जाली में फंसा हुआ था। जब शिवा ने उसे अपने हाथों में लिया तभी उसने दम तोड़ दिया, यानी कौवे के बच्चे की मौत हो गई। अब हो सकता है कि शायद वो नज़ारा कौवों ने अपनी आंखों में कैद कर लिया, और जैसा कि हम अब तक तिलिस्मी कहानियां पढ़ते सुनते आए हैं, जैसा होता आया है, या यूँ कहें कि जिस तरह की किंवदंतियाँ सुनने को मिलती हैं, उस तर्ज पर इस शख्स का ये मानना है कि हो सकता है उस घटना का बदला लेने के लिए कौवे जो हैं उस पर हमला करते हैं। चलिए, और इस खबर पर अब विस्तार से चर्चा करते हैं हमारे सहयोगी संजीव जाट से, जो शिवपुरी से हमारे साथ जुड़ गए, जिन्होंने पूरी रिपोर्ट आप तक पहुंचाई है। संजीव, आपके जरिए हम शिवा से विस्तार से समझना चाहेंगे, ये कब की घटना थी, उस दिन क्या हुआ था जब कौवे का बच्चा इनके हाथ में मर गया था, और फिर इसके बाद ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ? ये मामला विगत 3 वर्ष पूर्व का है। 3 वर्ष पूर्व शिवा अपने गांव सुमेला से बदरवास आ रहा था, तभी उसको रास्ते में एक खेत में लगी हुई जाली में एक कौवे का बच्चा फंसा हुआ मिला, तो उसको ये निकालने के लिए चला गया। और निकालने के लिए गया तो इसके बाद वो कौवे का बच्चा मर गया, और फिर
ये लगातार उसके बाद कंटिन्यू एक दो बार इसका पीछा किया सर, फिर लगातार ये कौए लगातार इस पर प्रहार कर रहे हैं, क्योंकि मैं अभी यहाँ खड़ा हूँ वहाँ उसके ऊपर कौए बैठे हुए हैं, क्योंकि मैंने जिस तरह लाइव किया सर, मैं अभी उसको उसी घटना स्थल पे हूँ जहाँ उसके ऊपर कौए बैठे हुए हैं सर। क्या संजीव आप कुछ तस्वीरें दिखा सकते हैं, जो युवक है उनसे आप बात करवा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, बात भी कराऊंगा और लाइव अभी अगर क्या अभी कौओं का प्रहार भी लगातार, क्योंकि जहाँ जो मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग की थी वही स्पॉट है जहाँ अभी सेवा भी मेरे साथ है, मैं उससे आपकी बात करा रहा हूँ सर। हेलो जी, सुन जी पा रहे हैं सर? जी बिल्कुल संजीव, हम आपको सुन रहे हैं, आप शिवा से हमारी बात करवा सकते हैं? हाँ हाँ करा रहा हूँ सर। सर ये हमारे पार्टनर है शिवा जी, और संजीव आप शिवा से पूछिए एक बार, वो फिर बताएं कि किन परिस्थितियों में उन्हें कौए का बच्चा मिला था और इन्हें क्या लगता है वाकई कि उसी का बदला कौए इनसे ले रहे हैं? ये सर क्या विगत तीन वर्ष पहले उससे धोखे से एक कौए का बच्चा खत्म हो गया था, इसके बाद ये लगातार कौए इसके पीछा करते हैं सर ये। नहीं संजीव, हम शिवा की जुबानी ही सुनना चाहते, जरा उनसे वो कहानी सुनवाइए। क्या मैम, काल में मैं, आपका नाम क्या है? अच्छा ये कौए आपको है ना क्यों मारते हैं? तीन साल में क्यों मारते हैं? तीन साल में क्यों मारते हैं ये आपको? क्या पंजाब में क्या कर दिया था? पंजाब में से निकाल, अच्छा पंजाब में से निकाल रहे थे सभी ये मतलब उसने, अच्छा फिर तुम क्यों मारते हो और कैसे बचते हो? लठिया से। अच्छा लठिया से बचते हो, अच्छा कब आते हो घर और कब जाते हो? रात में जाते हो। अच्छा दिन में नहीं जा पाते? क्यों नहीं जा पाते? क्यों नहीं जा पाते? काम करते हो सर? नहीं काम तो करते हो, दिन में क्यों नहीं जा पाते हो? अच्छा कौओं की वजह से नहीं जा पाते हैं। ये सर सेवा से बात चल रही थी आपकी, सेवा कौओं की वजह से दिन में बाहर नहीं निकल पाता है। अच्छा संजीव, कभी शिवा ने जो है इन चीजों से बचने की कोई कोशिश की, यानी कोई उपाय करवाया, या जैसे कई बार होती है ऐसी चीजें की क्या किसी और तंत्र मंत्र या जादू टोने का सहारा लिया अगर उन्हें ऐसा लगता है तो संजीव इन्होंने क्या कुछ ऐसा कभी किया या फिर ये बस अपने बचाव में लाठी लेकर चलते हैं? एक्चुअली बगैर लाठी के तो निकल ही नहीं पाते ना सर, क्योंकि लाठी नहीं है तो कौए तो उसका प्रहार कर देंगे। अभी जैसा कि मैं आपको दिखाऊं इसके ऊपर ही बैठे हैं कौए, ये आपको जैसा कि आप ये देखिए सर, ये इसके ऊपर ही है ना कौए बैठा हुआ है सर, ये सर है ना सिवा और सिवा के ऊपर ये कौए बैठा है सर। लेकिन नहीं संजीव, हम ये भी जानना चाहेंगे कहीं ऐसा तो नहीं कि आम तौर पर भी इस इलाके में कौए रहते हैं और ये महज संयोग है कि शिवम गुजरता है वहां से और कौए उस पर हमला करते हैं? नहीं 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 सर, क्या सर एक्चुअली ये अपने ये स्पॉट नहीं, अगर ये अपने गांव में भी रहेगा या अन्य जगह जाएगा 3 किलोमीटर एरिया के क्षेत्र में तो इसका पीछा ये कौए करते हैं सर। अच्छा, क्या आम तौर पर यहाँ पर कौए पाए जाते हैं या केवल ये दो कौए नजर आते हैं? नहीं नहीं ये दो ही कौए हैं सर मात्र यहाँ। अच्छा, यानी और संख्या में कौए वहाँ पर नजर नहीं आते हैं? नहीं नहीं और संख्या में एक ही कौए बैठा है सर, आप है ना जैसा कि आपको दिखा रहा हूँ ये इसके ऊपर ही बैठा एक कौआ, क्योंकि ये जैसे ही बाहर निकल के आया है, जैसे ये बाहर निकल कर आया है तो ये कौए सिंगल बैठा है सर, ये आपको दिख रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं और वाकई ये बड़ा दिलचस्प, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं सीधे आपको। शिवा जो है वो इस कौए से बेहद परेशान है, 3 साल से सिलसिला चल रहा है और एक पिंजरे से कौए के बच्चे को निकालने की कोशिश में वो बच्चा मर गया था और तभी से ये कौआ जो है इसके पीछे पड़ा हुआ है। संजीव कितनी संख्या में ये कौए परेशान कर रहे हैं, यानी एक है दो है कितने हैं? नहीं सर एक ही कौआ है, एक ही कौआ इसको परेशान करता है सर। अच्छा,
तो ये एक कौआ है जो लगातार शिवम को परेशान कर रहा है। अच्छा संजीव, कोई पक्षी विशेषज्ञ से आपकी बात हुई हो कभी, आपने पूछा हो ये रिपोर्ट जब आप कवर करेंगे क्या सब कौए के साथ ऐसा होता है या कोई स्पेशल केस है? मेरे पास में यहाँ के एक वरिष्ठ प्रधान अध्यापक है जो जो यहाँ पे इस बारे में मतलब इनसे भी बात की, तो इनका ये मानना है कि अक्सर इस प्रकार सर बहुत कम पाया जाता है, लेकिन लगातार ये इस प्रकार होना ये सर एक बड़ी वो है घटना। बिल्कुल संजीव, और शिवा के घर में कौन कौन है, उनके घर वाले क्या कहते हैं इस घटना पर, क्या उन्होंने कभी कोई कोशिश की कि कौवा इनका पीछा छोड़ दे? के एक्सपायर हो चुके हैं और ये इस होटल पर काम करता सर, ये है इस होटल पर काम करता है सर ये। अच्छा, ये सर मैं आपको दिखा पा रहा हूँ सर, ये इस होटल पर काम करता है। अच्छा ठीक है संजीव, आप अपनी तरफ कैमरा कर सकते हैं और अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि हम कि अब शिवा ने क्या इसको अपनी नियति मान लिया है कि उन्हें इसी तरह से रोज इस हमले से बचना है, या फिर वो कभी कोई कोशिश भी करते कि कौवे उनसे हमेशा के लिए, ये जो कौवा है कहना चाहिए, एक कौवा जो परेशान कर रहा है वो दूर हो जाए? दोबारा बोले मैं सुन नहीं पाया। मैं ये पूछ रहा हूँ, आप शिवा से भी ये पूछ सकते हैं सवाल कि क्या कोई वो कोशिश करेंगे, किसी की मदद लेना चाहते कि कौवा उनका हमेशा के लिए पीछा छोड़ दे, या उन्होंने कभी कोई कोशिश की कोई तंत्र मंत्र का या किसी विशेषज्ञ का इन्होंने सहारा लिया, उसकी कोई कोशिश की क्या? सर इसकी माता जी से मेरी बात हुई थी, उनका ये कहना है लगातार इसके लिए जानकारों से भी बातचीत की कि कैसे भी करके इससे निजात मिले, लेकिन ये सर सब प्रयास किए लेकिन उसके बावजूद भी कौवे इसका पीछा नहीं छोड़ रहे सर। बिल्कुल, कोई पूजा पाठ कराई हो, कोई प्रायश्चित किया हो शिवा ने? कराया सर, कराया, घर पे कराया था, बताया है कि इनकी माता जी बुजुर्ग है, पिताजी एक्सपायर हो गए, तो ये पूरे परिवार की जिम्मेदारी भी इसी के ऊपर है सर। थोड़ा आप शिवा से बात करके जरा हमारे दर्शकों को सुनवाइए कि वो इस बारे में क्या कह रहे हैं, वो क्या पीछा छुड़ाना चाहते हैं कौवे से, जाहिर सी बात छुड़ाना चाहेंगे लेकिन इसके लिए कितना जतन कर चुके हैं, जरा शिवा की जुबानी सुनना चाहेंगे। सर सर मैं शिवा से बात करता हूँ, जो आपने कौवे को बचने के लिए क्या क्या प्रयास किए, अगर लटिया से बचे नहीं, उसके अलावा पूजा पाठ या कोई और? अच्छा, और तुम्हारी माता जी ने क्या प्रयास किए इसके लिए? अच्छा, उसके बाद भी नहीं मानते ये, तो फिर सर वो उसका ये कहना है माता जी ने पूजा पाठ भी किए और सब कुछ कराया, उसके बावजूद भी इसका हुआ जानकारों को भी दिखाया, लेकिन उसके बावजूद भी इसका पीछा नहीं छोड़ते हैं सर, क्योंकि कल ही इसको चोट पहुंचाई, जब हमने कवरेज किया तो इसको मतलब बिना चोट पहुंचाई, ये आपको मैंने दिखा रहा हूँ, ये देखिए सर। बिल्कुल बिल्कुल, जब मैंने इसका कवरेज किया था ना सर तो चोट पहुंचाई। अच्छा, तो ये बड़ी वाकई हैरान करने वाली तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आज आपको पत्रिका टीवी पर कि कौवा किस तरीके से बदला लेता है, ये इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है ये पत्रिका टीवी की, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि ये जो शख्स है तस्वीरों में आपको नजर आ रहा है शिवा, इसके पीछे पिछले 3 साल से एक कौवा पड़ा है और 3 किलोमीटर के दायरे में ये जहां शिवा जाता है वहां उसका पीछा करता है, और दूसरी बात ये कि काफी कोशिश की शिवम ने इससे पीछा छुड़ाने की लेकिन कौवा पीछा छोड़ने को तैयार नहीं है। इसके पीछे कहानी में एक बार फिर आपको बताते हैं, कहानी ये शिवम का ये कहना है कि उसने एक पिंजरे से कौवे के बच्चे को निकालने की कोशिश की थी, लेकिन इसी दौरान वो जो बच्चा था वो मर गया, और तभी से अब हो सकता है ये कौवे की माँ हो या पिता, वो इससे बदला लेने की लगातार फिराक में रहते हैं, और जब मौका मिलता है वो चोंच मारकर इस शिवा नाम के युवक को घायल करते हैं। ये हमारे कैमरे पर ये तस्वीरें कैद हुई, देखिए आप जैसे बिना लाठी के घर से निकला ये शख्स, उस पर कौवे ने हमला किया, और अभी भी जिस वक्त हम लाइव कवरेज दिखा रहे हैं आपको शिवपुरी से, वहां पर भी ये कौवा उसी खंभे पर मौजूद है जहां पर हमने ये कल शूट की थी खबर, और आज हमने जो रिपोर्ट आप तक पहुंचाई जब हम लाइव दे रहे हैं वहां से, जब हम शिवा से बात करें उस दौरान भी ये कौवा वहीं पर मौजूद है, यानी इसमें अच्छा दूसरी बात ये कि वहां पर ऐसा नहीं है कि कोई कचरे का ढेर हो या आमतौर पर कौवे वहां देखे जाते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, केवल ये कौवा है जो लगातार शिवा का पीछा करता है
उसे चोट पहुंचाने की वो कोशिश करता है। तो शुक्रिया संजीव हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और ये बड़ी खबर हम आपको इसलिए, ये बड़ी इसलिए हो जाती है क्योंकि बाकी इस तरह की हैरत अंगेज बातें कम ही सुनने को मिलती हैं कि कोई कौवा, एक सामान्य सा पक्षी, वो किसी इंसान के पीछे पड़ जाए जिससे हर कोई घबराता है। आमतौर पर पक्षी वैसे इंसान की आहट सुनते ही भाग निकल उड़ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि ये कौवा रोज यूं कहें कि अपना बदला लेने की फिराक में रहता है। एक दो बार नहीं, लगातार पिछले 3 साल से इस कौवे के हमले से शिवा खुद को ऐसे ही बचाता है। वो लाठी लेकर चलता है, अगर लाठी जिस दिन उसके पास ना हो तो शिवा पर इसी तरह से अटैक ये कौवा करता है। तो अपने आप में पूरा मामला अनूठा हो जाता है कि क्या वाकई ऐसा होता है। कई सुनी बातों पर भले आप यकीन ना करें, लेकिन ये आंखों देखी है और आंखों देखी इस पूरी तस्वीर में आप देख सकते हैं। इसीलिए हमने बाकायदा कैमरे में कैद किया, केवल कई सुनी बातों पर यकीन नहीं किया, और हमने कहा शिवा से कि वो बिना लाठी लिए घर से निकले, और जैसे ही वो घर से निकला तो आप देख सकते हैं कि ये कौवा उसके आसपास मंडराता रहा, और जहाँ थोड़ी सी लापरवाही की शिवा ने उस पर उसे चोंच मारकर वो घायल करके चलता बना। इस वक्त भी वो कौवा वहीं पर मौजूद है जहां पर शिवा खड़ा है। हो सकता है कि काफी भीड़ है, अकेला नहीं है शिवा, इसलिए यह कौवा उस पर हमला न कर रहा हो। तो हम इस मामले में पक्षी विशेषज्ञों से भी चर्चा की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये हर पक्षी में इतनी तेज याददाश्त होती है, क्या हर पक्षी इस तरीके से बदला लेता है, अगर नहीं तो क्या ये कोई स्पेशल केस है, और है तो क्या इसकी स्टडी नहीं की जानी चाहिए, कि आखिर एक कौवा 3 साल से लगातार एक ही शख्स पर क्यों हमला कर रहा है। और चलिए इस वक्त हमारे साथ स्वदेश वाघमारे जी जुड़ गए हैं, आप पक्षी विशेषज्ञ हैं। स्वदेश जी बहुत स्वागत है आपका पत्रिका टीवी में। और ये हमने आपको थोड़ी डिटेल में स्टोरी बताई है, लेकिन मैं फिर दोहरा दूं, आपको एक युवक है शिवपुरी का रहने वाला, जिसका कहना है कि 3 साल पहले उसके हाथों में एक बच्चा मर गया था, या हो सकता है उसकी वजह से मर गया, कौवे का बच्चा। अब उसके बाद से कौवा है जो लगातार 3 साल से उसका पीछा कर रहा है और उसे रोज चोंच मारने की कोशिश करता है, यानी जख्मी करने की कोशिश करता है। तो क्या आपका मानना है कि ये वही कौवा है जो बदला ले रहा है शिवा से? देखिए, हम इसको बदला लेना तो नहीं कहेंगे, मगर ये एक अपने बच्चों के प्रति प्रेम होता है जो इनमें, वो विशेष प्रकार के हार्मोन होते हैं जो हमें भी पाए जाते हैं और पशु पक्षियों में भी पाए जाते हैं, जो प्रेम का काम करते हैं, उद्दीपन का काम करते हैं, घृणा का काम करते हैं। तो अब ये किसी में कम हो सकता है, किसी में ज्यादा हो सकता है, वो उस कौवे के जो ट्रॉमा है उस वाले पार्ट में स्टोर हो गई ये घटना, ऐसा लगता है, और वो उसको बार बार रिपीटेडली याद आता है, इसलिए वो ऐसा व्यवहार कर रहा है। ये ऐसा हजार में किसी एक प्राणी के साथ इस तरह का व्यवहार पाया जाता है। जी सुदेश जी, यही हम आपसे समझना चाह रहे कि क्या हर पक्षी में इस तरह की, जैसे हमने, आपने भी फिल्मों में देखा होगा कई बार कि सांप बदला ले लेता है, सांप की आंखों में तस्वीर कैद हो जाती है और फिर वो जब तक बदला नहीं ले लेता तब तक वो पीछा नहीं छोड़ता है, क्या ये हर पशु पक्षी में होती चीज? नहीं, ये मिथक है इस तरह का कि आंख में कोई तस्वीर कैद हो जाती है या बदला लेता है, ये मिथक है। मगर ये अपने रक्षा में, अपने प्रोटेक्शन में, अपने प्रतिरक्षण में हर प्राणी दूसरे प्राणी पे हमला करता है। हर प्राणी का एक सेफ डिस्टेंस होता है, कोई भी दूसरा प्राणी या दूसरा व्यक्ति या मनुष्य उसके सेफ डिस्टेंस में प्रवेश करता है तो वो उस पर हमला करता है, अदरवाइज स्वतः हमला नहीं करते हैं पशु पक्षी एक दूसरे पर, कोई भी पशु पक्षी स्वतः हमला नहीं करते। हाँ, आप उनकी सेफ डिस्टेंस में जाते हैं तो हमला करते हैं, दूसरा बच्चों को बचाने के लिए, तो हर प्राणी हमला करता है। किसी में उस हार्मोन की मात्रा अधिक होती है तो वो अधिक मात्रा में उग्र होता है, किसी में उस हार्मोन की मात्रा कम होती है तो कम मात्रा में उग्र होता है। जी, लेकिन सुदेश जी, 3 साल तक किसी शख्स को याद रखना, ये आपको थोड़ा अचंभित नहीं करता है? हाँ, ये अब नॉर्मल बिहेवियर है, इसे थोड़ा अप्राकृतिक व्यवहार कहेंगे, मगर ऐसा नॉर्मल बिहेवियर कभी कभी
सभी में घटना में व्यक्ति आदमी मनुष्यों में भी पाया जाता है और पशुओं में भी पाया जाता है। ये अब नॉर्मल बिहेवियर आपने देखा होगा, बहुत सारे कुत्ते जो रहते हैं वो किसी एक गाड़ी से यदि कुचला जाते हैं तो फिर वो हर गाड़ी के पीछे छोड़ते हैं। आपने देखा होगा ये घटना भी होती है कि कोई भी गाड़ी निकलती है, कार मोटरसाइकिल, बिल्कुल स्वदेशी। हमारा हमारी बात यही है कि वो हर गाड़ी पर भौंकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो कौआ है केवल शिवा पर अटैक करता है क्योंकि उसके हाथों में वो बच्चा मारा गया था। अब ये उसकी माँ है या पिता, ये तो नहीं खैर हम दावे से कह सकते, लेकिन लगता है आपको कि ये जरूर उसी घटना का बदला शब्द इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उस पर वो हमला भी करता है, अटैक करता है। अभी हम जब लाइव ले रहे थे शिवपुरी से तो वहां वो ऊपर खंबे पर बैठा हुआ था। ये बिल्कुल अभी एबनॉर्मल एक अप्राकृतिक व्यवहार है जो थोड़ा सामान्यतः सब में नहीं पाया जाता। ये प्राकृतिक व्यवहार है और प्रकृति में इस तरह की घटनाएं घटती रहती है कभी कभी, एक्सेप्शन अपवाद के रूप में अपवादी घटनाएं। यानी वही हम समझना चाह रहे थे कि क्या हर कौवे में ये खासियत होती है? नहीं 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 हाँ। नहीं नहीं ऐसा ऐसा हर प्राणी में नहीं, अपने अपने जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, अपने जो बच्चे होते हैं उनके प्रति प्रायः सभी प्राणी संवेदनशील होते हैं। बिल्कुल, कुछ में ये संवेदनशीलता कम होती है, कुछ में ये संवेदनशीलता ज्यादा होती है, मगर ऐसा 3 साल तक व्यवहार करना ये पूरी तरह से एबनॉर्मल। आपको लग रहा है कि एबनॉर्मल है वही, क्योंकि देखिए संशय का कारण इसलिए था कि कई बार जो मादा कुतिया होती है उसके पिल्लों की तरफ कोई जाता है तो वो अटैक करती है, भौंकती है। दूसरी बात बंदरिया होती है, अगर उसका बच्चा मर जाता है तो उसको सीने से चेटाए रखती है, रोती, ये इस तरह का व्यवहार होता है, दुखी नजर आते हैं वो। लेकिन यहाँ पर बदला लेने की प्रवृत्ति बिल्कुल सामान्य सी बात है। मेरे खुद का एक आपको वाइल्ड लाइफ की छोटी सी घटना है कि भोपाल के पास एक बार टाइग्रेस के दो बच्चे नहर पार करते में डेथ हो गई थी, तो वो टाइग्रेस काफी समय तक वहां बैठी रही और वहां से हटती नहीं थी। इसी तरह की घटना एक भालुओं के साथ हुई थी, एक मदर भालू मर गई थी हरदा जिले में, तो हरदा वन मंडल में, तो उसके बच्चे 5 दिन तक उसके स्तन से लिपटे रहे थे। वो नहीं समझ पा रहे थे कि हमारी माँ मर चुकी है, जब उसका मांस गलने लगा था उनने उसको छोड़ा। तो ऐसी घटनाएं प्रकृति में घटती रहती जी। वैसे याददाश्त को लेके आप क्या कुछ कह सकते, कमेंट कर सकते, कितने दिनों तक आमतौर पर याद रहती कोई चीज पशु पक्षियों को? देखिए ये तो 1 दिन के लिए भी हो सकती है, 5 दिन की भी हो सकती है और 5 महीने की भी हो सकती है। इसको ट्रॉमा कहते हैं, आपको जो सदमा लगता है अच्छा, वो आपको सदमा कब याद आ जाएगा, उसी दिन भी याद आ सकता है, 10 दिन बाद भी आ सकता है, 6 महीने बाद भी याद आ सकता है। तो इसका कोई निश्चित अवधि नहीं होती है, इसको ट्रॉमा कहते हैं हम लोग सामान्य भाषा में। ये जानवरों में भी ट्रॉमा सदमा होने की घटना पाई जाती है। अच्छा, होता क्या सुदेश जी ऐसी स्थिति में, कई लोग इसको जादू टोने से जोड़ देते हैं, कई लोग कहते हैं साहब ये कोई बदला लेने आपके पीछे पड़ा है, लेकिन अब इन चीजों से बचने का कोई तरीका है, वैज्ञानिक तरीका? वैसे तो फिर बहुत सारे ढूंढ लिए जाएंगे टोने टोटके, लेकिन शिवम के कह रहे हैं घर वाले कि हमने काफी कुछ कर लिया, ये कौवा पीछे नहीं छोड़ता। नहीं, उसको हटा दिया जाए, जो ऑब्जेक्ट रहता है, जो वस्तु है, उसको कुछ दिन के लिए उसके सामने से हटा दिया जाए यदि लंबे समय तक के लिए, तो वो भूल जाता है। अच्छा, और शायद यही वजह हो सकती है कि शिवा का रोज क्योंकि वहां से गुजरना होता है, करता है उसको उस स्थान से कुछ दिन के लिए हटाया जाए। अच्छा, तो संभावना यह है कि वो भूल जाएगा, भूल जाएगा तब हो सकता है, लेकिन वो दिक्कत यही है कि शिवा का रोज उस रास्ते से गुजरना होता है और इसीलिए शायद कौवे को हर रोज ये रिकॉल हो जाता है कि यही वो शख्स है जिसके हाथों में उसका बच्चा मारा गया था और इसीलिए वो रोजाना अटैक करता है। यानी इसमें आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये कोई एबनॉर्मल, लेकिन हाँ ये जरूर है कि कुछ विशेष स्थितियां जरूर बनी क्योंकि कई पशु पक्षियों के साथ इस तरह की घटनाएं होती हैं, उनके सामने, आंखों के सामने उनके बच्चों की डेथ हो जाए या कोई शिकार कर ले, लेकिन तब भी वो हमलावर होते हैं कुछ देर के लिए, लेकिन 3 साल तक पीछे पड़े रहना वाकई अपने आप में ये थोड़ा सा शॉकिंग लगता है। शुक्रिया स्वदेश जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो स्वदेश वाघमारे जी का ये एक जरूर कहना है कि अगर कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए अगर शिवा उस रास्ते से गुजरना बंद कर दे तो शायद कौवा उस बात को भूल जाए, उस घटना को भूल जाए, उस शख्स को भूल जाए, तभी शायद शिवा बच सकता है। लेकिन उसकी मजबूरी है, गरीब परिवार से, वो यहाँ पर होटल में काम करता है, रोज उस रास्ते से गुजरना है और इसीलिए कौवा भी उसके पीछे लगातार 3 साल से पड़ा हुआ है। चर्चा करेंगे तो देखिए पक्षी विशेषज्ञों का साफ तौर पर कहना है कि कुछ जरूर
ऐसे तत्व रहते हैं हर पशु पक्षी और प्राणी में, जिनमें वो इतना संवेदनशील होता है कि उसके बच्चों को अगर कोई नुकसान पहुंचाता है तो वो उस पर ज़रूर अटैक करते हैं। लेकिन 3 साल तक, और ये जो तत्व होता है गामा जिसे कहा जाता है, वो कम ज़्यादा हो सकता है, और इसी वजह से यहाँ पर ये स्थितियाँ बनती नज़र आ रही हैं। और वाकई जिसने भी ये पहले तस्वीरें देखी तो उसको यकीन नहीं हुआ कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है कि कोई कौवा किसी इंसान के पीछे पड़ जाए। संजीव हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव, हमने भी पक्षी विशेषज्ञ से बात की, स्वदेश जी से, उनका कहना है कि अगर कुछ दिनों के लिए शिवा वहां से गुजरना छोड़ दे तो शायद कौवा उस घटना को भूल जाए और वो अटैक न करे दोबारा। नहीं सर, इस बारे में कुछ दिन नहीं, करीब एक 3-4 महीने के लिए भी ये शहर छोड़ गया था, बदरवास छोड़ गया था, उसके बाद अपनी रिश्तेदारी में चला गया था और उसके बाद पुनः उसने बदरवास आया तो वो ये स्थिति मिली। अच्छा, आपके साथ कुछ लोग हैं क्या, वो भी इस बात पर यकीन करते हैं कि कौवा बदला ले रहा है, कुछ बात करिए आप। जो आपके आसपास खड़े लोग हैं, जरा उनसे ऐसा पूछिए कि क्या वो इस बात में यकीन रखते हैं कि कौवा इस तरह से अटैक कर सकता है। ये मेरे पास में यहाँ शिक्षक है मनीष बैरागी जी, और इन्होंने खुद अभी ये नजारा देखा, इसको लेके आपका विचार जानना चाहेंगे, क्या कौवा किसी से बदला लेता है या? बिल्कुल लेता है, मैंने देखा है, अभी मैं पेट्रोल डलवाने आया था तो मैंने देखा कि सुबह जा रहा था तो कौवा ऊपर बैठा था, वो तो थोड़ा और आगे बढ़ा तो उसने उस पर अटैक किया, हमला किया, 2-3 बार ऐसा हुआ। तो ऐसा मेरा मानना है कि निश्चित रूप से कौवा बदला लेता है। बाकी ये सोच जाए कि कुछ समय बाद शायद वो भूल जाते हैं, लेकिन अभी देखा तो 3 साल लगातार हो गए इस कौवे को बदले लेते हुए, ये थोड़ा सा अलग तरह का मामला हो गया। बाकी ऐसा होता है कुछ समय के लिए तो कौवे बदला लेते हैं, अब ये लंबा समय हो गया इसमें जी। संजीव, तो क्या इस घटना को कोई अंधविश्वास से वो जोड़कर देखते हैं यहाँ के लोग? नहीं, अंधविश्वास को लेके इसको नहीं जोड़ रहे हैं, क्योंकि ये लगातार इस तरह का मामला देखने को आया। 3-4 महीने के लिए वो यहाँ से चला भी गया, उसके बाद आया तो वही स्थिति मिली, तो ये लगातार जैसे जिस होटल पे काम करता है उस होटल के मालिक भी मेरे पास है, काले खटी। बिल्कुल, इनसे भी आप बात करेंगे, पीछे क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं इनसे ही बात करना चाह रहा हूँ, ये काले खटी के मेरे पास में, ये क्या मामला है, इसको लेके लगातार आपने क्या प्रयास किए, जिस इससे प्रहार करते हैं, क्या आपने कुछ प्रयास किए इसको लेके? सब प्रयास किया, घर को उसकी माँ ने भी किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ उससे, उसको दिन के निकलता है तो कभी उस पर अटैक करते हैं। अभी आया है वो 2-3 महीने के लिए बाहर चला गया था, काम नहीं कर रहा था होटल पे हमारी से, अब आ गया तो कल भी उसने चौंक मार दी, डेली को दिल को निकल ही नहीं पाता, कहीं होटल पे काम कर रहा है करीबन 4-5 साल। ये मालिक का ये कहना है कि वो दिन में बाजार में जा ही नहीं पाता, वो आता है अंधेरे में जाता है और अंधेरे में आ जाता है, उसके बाद बंद होटल पर काम करता है, ये होटल के मालिक का कहना है, काले कटी। जी, बिल्कुल सुना हमने ये तमाम बातें, वाकई अब इस पर क्या कहा जाए, हैरत अंगेज करने वाली ये घटना है, क्योंकि जैसा पक्षी विशेषज्ञ कह रहे थे कि भाई कुछ समय के लिए अगर दूर हो जाए तो शायद कौवा भूल जाए, लेकिन कौवे की याददाश्त की दाद देनी पड़ेगी कि 3-4 महीने बाद भी उसने शिवा नाम के शख्स को पहचान लिया और इस पर लगातार वो अटैक कर रहा है। यहाँ के जो लोग हैं वो भी इस बात को मानने को अब तैयार हो गए हैं कि हाँ, ये कौवा जो है बदला लेने के लिए आता है। शुक्रिया संजीव आपका भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, तमाम लोगों का जो हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े। और वाकई ये देखिए, एक बात स्पष्ट है कि इसमें आप कोई चमत्कार या कोई तिलिस्म ना ढूंढिए, ये जरूर आप कह सकते हैं कि हर जीव में संवेदनशीलता होती है, उसी का नज़ारा है, नमूना है, किसी में इस कौवे में कह सकते हैं कि ये इसका व्यवहार थोड़ा सा एबनॉर्मल हो सकता है, लेकिन ये भी कुदरत का एक हिस्सा है और कुदरत का इसे आप करिश्मा कह सकते हैं। चलिए, तो हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, आप देखते रहिए पत्रिका टीवी। नमस्कार। पत्रिका टीवी से जुड़े लाइव अपडेट्स के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।